मैं अमेजोन से मंगाया हूँ, जिससे कि यह पूरा कांड देखिए ना, इसलिए कि कौन किया यह पूरा पटा हुआ लगता है किसी मतलब चोर ने इसे फाड़ा होगा। लेकिन तो हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार बितुल ब्लॉग्स चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं फिर से जाने वाला हूँ मतलब मेरा दोस्त के वहाँ पर, क्योंकि मेरा दोस्त का कुछ मतलब पार्सल आ रहा है, जो कि पार्सल मतलब मेरा नाम से मंगाया, तो उसको मतलब पहुँचाने के लिए जा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर वो फाइनली पहुँच गया हूँ जहाँ पर डिलीवरी बॉय है, यहाँ पर उसका सामान है जो कि, तो यहाँ पर फाइनली पहुँच चुके हैं। मैं अमेजोन से मंगाया हूँ, जिससे कि यह पूरा कांड देखिए ना, इसलिए कि कौन किया यह पूरा पटा हुआ लगता है किसी मतलब चोर ने इसे फाड़ा होगा। लेकिन वो सामान अंदर पे होगा कि नहीं होगा, लेकिन हो सकता है, लेकिन हाँ तरह तरह वहाँ तय तय तो है, हो सकता है अंदर पे सामान, पता नहीं ऐसा काम क्यों करता है, जो कि ये डिलीवरी बॉय का काम नहीं है, वो कोई मतलब जो इधर उधर ट्रांसपोर्ट करता है उसका काम होगा। इसको किसने पारा, चूहा तो नहीं पारा होगा, ये चूहा लोग इस तरह नहीं पारते हैं, एक काटने से दूसरा होता है, इसको किस किस के पारा है, लेकिन ये किसी छोड़ नहीं पारा होगा, बदमाश ने अमेजन वाले का कोई दोस्त नहीं है, उसका दोस्त होगा जो कि वो जो ट्रांसफर करता है उसका। तो यहाँ पर सामान है दो है, दोनों तो अंदर में, दोनों अंदर पे है, मतलब हैवी है सामान हो या ना हो, लेकिन अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, अनबॉक्सिंग कोई और करेंगे, लेकिन हो सकता है सामान आवाज़ कर रहा है। इसका प्राइस है अभी बस 2400 के आसपास, तो अभी ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, वो भाई साहब उधर में बात कर रहे हैं। तो गाइस मैं कल तो यहाँ से चला गया था, लेकिन यहाँ पर वो आने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि वो अचानक से मुनू भाई का वो स्टिकर आ गया, वो स्टिक आ गया उसका, वो ब्लॉगिंग का स्टिक अचानक से आ गया। तो यहाँ मुनू भाई को पहुँचाने के लिए आया हूँ हमारा गाँव से महादेवपुर। तो अभी मुनू भाई अभी जाएंगे उसका गांव पे, यहाँ पर मुनू भाई, अभी मुनू भाई बहुत खुशी हो रहा होगा। और अभी गांव में जाऊंगा और हम लोग जो बेम्बू का जो खाना खाते हैं, जो बहुत कम लोगों को पता है, तो बेम्बू में खाना कैसे खाते हैं, कैसे पकाते हैं, आप लोगों को दिखाऊंगा, वोला बनाऊंगा, अभी उसी जा रहा हूँ। मस्त लग रहा है इसके साथ वीडियो में, ब्लॉगिंग में। गाइस तो पांच दिन पहुंच गया हूँ मुनू भाई के घर पे, और यहाँ पर अंतिम जी क्या हाल है। मैं कल यहाँ से फिर से लौट के यहाँ से चला गया, फिर से आ गया यार। तो गैस हम लोग तो यहाँ पर घर मुनू का घर पर पहुँच के तो हम लोग रेस्ट करेंगे, तो अभी जाएंगे दायन की तरफ जहाँ पर वो छठ पूजा होगा, जो कि मैं कभी गया नहीं छठ पूजा में, मतलब कोई जो यहाँ पर मतलब मनाता है हमारा गांव पर, गांव के आसपास में भी मना रहा है, जैसे कि बढ़िया से सके पर मना रहा है। और छठ पूजा कहाँ में, किसका घर में कौन बुला रहा है पता है, कुंदन, कुंदन का मामा का बेटा, अर्जुन कुंदन का मामा का बेटा, वहाँ पर जाएंगे। तो गाइस आज मैं पहली बार जाऊंगा छठ पूजा में, तो छठ पूजा में बहुत दोस्त लोग बुला रहे हैं, तो नया नया आदमी लोग भी बुला रहे हैं, तो ये मेरा लिए पास एक्सपीरियंस होगा छठ पूजा, जो कि जाके देखता हूँ क्या क्या होता है, मेरा साथ में मुनू भाई भी जाएगा। एक्चुअल में हम लोग छठ पूजा पे आ रहे थे, तो यहाँ पर बुद्धिस्ट का भी पूजा हो रहा है यहाँ पर, तो वो लोग पहले ये लाइन खत्म होने के बाद जाएंगे छठ पूजा खाने के लिए। तो गाइस ये है हमारा ट्राइब्स का ड्रेस, जो कि यहाँ पर बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है हमारा चकमा का, यानी कि बुद्धिस्ट वो समुदाय से बिलोंग करता है ये, इस यहाँ पर होगा कोतिन शिवरदान, वो एक मंदिर पे, वो यहाँ पर रिलीज निकल रहा है अभी। तो गाइस आज मैं ये लोग का स्थल में वो खाया हूँ, वो पानी पूरी और मोमो, इतना मस्त है, इतना मस्त है पूरा लोकल स्टाइल। तो दोस्तों मैं जब भी दायन में आऊँगा यहाँ पर मैं जरूर खाऊंगा ना, पासपोर्ट तो पहली बार खाने का आया हूँ यहाँ पर छठ पूजा का प्रसाद, यहाँ पर पूरा फल मूल सब कुछ दिया गया है। तो गाइस फाइनली मुनू भाई ने मतलब अनबॉक्सिंग किया है, दोनों अंदर पे है, लेकिन एक ही बैग में दो मतलब वो लोग ने फाड़ के डाला है, क्योंकि वो हर कस्टमर ये सोचेंगे कि वो किसी ने निकाल लिया, कुछ गलत काम किया, लेकिन सही सलामत सामान पहुंच गया, तो उसमें मतलब वो सामान तो बढ़िया है, वो कोई मतलब क्रॉस भी नहीं आया सामान में, कोई चोरी मतलब कुछ मिसिंग आया था, मिसिंग नहीं था, सब कुछ ओके था। तो लगता है कि जिससे कि वो स्टिक सेलर, वो उन्होंने एक बैग का पैसा बचाने के लिए एक बैग को फाड़ के वो डाल दिया, क्योंकि मतलब एक तो उन्होंने मतलब दो स्टिक मंगाया था, दो स्टिक में सिर्फ एक ही बैग आया, तो वो उन्होंने मतलब पैसा बचाने के लिए क्या किया कि एक बैग को फाड़ के ये वाला स्टिक दो में डाल दिया, तो फिर सही सलामत पहुंचा,
मुनु भाई भी मतलब सेटिस्फाई है उसका सामान से। पहले मैंने एक ऑर्डर किया था वहां पे बटन नहीं आया था ये वाला, मुझे इतना दुख हुआ बोलो ही मत। लेकिन कल आया ना, दोनों में होगा, इसमें भी होगा बटन। वाह, तो गाइस फाइनली ब्रेकफास्ट आ चुका है। यह है चावल और यह है आलू का चटनी और यह है केकड़ा की चटनी और ये जो कि तारो कोंचू है और यहाँ पर मिर्ची। दूसरों के लिए ये लंच हो सकता है लेकिन ये मेरे लिए है ब्रेकफास्ट, बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट। तो गाइस ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हम लोग जाएंगे दायन की ओर। तो दायन में क्या करने के लिए जाएंगे मुन्नू भाई, कुछ काम है क्या दायन पे? दायन पे पैसा निकालने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि घर का पेंडिंग चल रहा है तो इसीलिए। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं दायन SBI। गाइस मुन्नू भाई ये दृश्य बैंक में आया है, पूरा फटा हुआ दृश्य, इतना बड़ा यूट्यूबर होके यही दृश्य फटा हुआ दृश्य यहाँ पर पैसा निकलने के लिए है SBI बैंक। मेरा काम कभी भी नहीं है लेकिन इसका काम नहीं हुआ बेचारा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मुनु का घर। हम लोग गया था बैंक में मतलब कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने कुछ काम के लिए बैंक का काम, लेकिन वो काम हुआ नहीं मुनु भाई का। वो बैंक वाले बोला कि शाम को आ जाना, तो मुझे लगता है कि शाम को शायद हो नहीं सकता, शायद बहुत नाराज है क्योंकि टेंशन में है क्योंकि काम हुआ नहीं इसका। जिससे कि गैस दान एरिया मतलब बहुत ही बड़ा है, बस एक ही बैंक ब्रांच है यहाँ पर दान एरिया में। पूरा दान वो बैंक में आदमी पूरा फुल रहते हैं तो शायद आदमी मतलब पॉपुलेशन कम होता है वो काम ही हो जाता है। और प्राइवेट बैंक होता है तत्काल हो जाता है, प्राइवेट बैंक में मतलब कोई इशू नहीं है, जो कि प्राइवेट बैंक ही बेस्ट है हम लोग के लिए। वो प्राइवेट बैंक में तुरंत जाएगा, तुरंत काम कम्प्लीट। लेकिन सरकारी बैंक में आज नहीं शाम को कल आ जाना परसों आ जाना। जैसे कि मैं एक SBI अकाउंट खुलाता हूँ, वो SBI अकाउंट खोलने के लिए मुझे 4-5 बार मुझे बैंक का चक्कर लगाना पड़ा कि लगभग एक महीना ऐसे कुछ वो अकाउंट पे वो बैंक में गया तब ही मेरा अकाउंट खुला, लेकिन खोलता नहीं है। जब मैं ट्वीट किया रिपोर्ट किया कंप्लेन किया तब कंप्लेन करने के बाद वो 48 घंटे के अंदर मेरा अकाउंट खुल गया। तो दोस्तों अभी हमारे यहाँ पर वो आलू लगाने का सीजन आ चुका है जो कि ये है लोकल आलू, बहुत छोटा छोटा होता है। मैं यहाँ पर मुनू का घर का ये वाला मुनू का घर है तो घर का पीछे यहाँ पर पूरा आलू खेत लगा रहा है। तो फिलहाल मुनू का मतलब आलू लगा के चला गया, तो पर आलू मतलब घर के चला गया, लगा के चला गया। तो आधा तो पूरा लगा चुके हैं तो ये शाम को फिर से लगाएंगे। तो बहुत धूप है भाई, बहुत ही गर्मी है यार। तो गैस मुझे भी मतलब घर जाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर खा आया हूँ क्योंकि मेरा ब्लॉक मतलब वो 24 घंटे का ब्लॉग होता है, पूरा 2 दिन का ऐसे कुछ ब्लॉग वीडियो रहता है मेरा डेली ब्लॉगिंग। तो घर पे जाने से मुझे इस तरह लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कल चला जाऊँगा शायद, तो मुनू भाई भी जा सकता है हमारे वहाँ पर, तो मैं उसके घर पे आते जाते रहता हूँ, वो भी हमारे घर पे आते रहते हैं जाते रहते हैं, ऐसे ही दोस्ती मतलब हम लोग का चलते रहते हैं। मुनू भाई फाइनली वो काम करके आ चुके हैं, आलू बो के आ गया है। मुनू भाई डांसर भी है और यूट्यूबर भी है प्लस और किसान भी है। हाँ किसान का बेटा, किसानी मतलब क्या, बहुत दिनों के बाद धूप पे निकल रहा हूँ, दिमाग भमक 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 कर रहा है, वीडियो भी अपलोड करने के लिए जाना है इनाव में। तो गाइस अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर है, जो ये वीडियो जो आप लोग देखेंगे यही ब्लॉग को मतलब अपलोड करने के लिए जाएंगे इनाव पे जाएंगे, तो यहाँ पर मुनू भाई भी जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर, बिल्कुल एक टावर है यहाँ पर, एयरटेल भी है और जियो भी है, दोनों के दोनों है क्योंकि यहाँ मुनू भाई का गांव पे नेटवर्क बिल्कुल ना के बराबर, थोड़ा थोड़ा बात कर सकता है। व्हाट्सएप का मैसेज मतलब डिलीवर होने के लिए 30-20 सेकेंड ऐसे कुछ लगते हैं। इस जगह से मुनू भाई यूट्यूबर बना है, तो ये मुनू भाई ये भी आया है वीडियो अपलोड करने के लिए। क्या करूँ, बहुत ही तकलीफ है भाई, यहाँ पर नेटवर्क की बहुत ही प्रॉब्लम होता है। जैसे कि हमारा गांव में इतना मिलता है नेटवर्क, फिर भी मुझे वीडियो अपलोड करने के लिए लगभग जाना पड़ता है 7 किलोमीटर के आसपास दूर। गैस मुनू भाई को नया नया दोस्त मिल गया यहाँ पर, तो वो बातें कर रहा है, उसका मतलब दोस्त इतना बार का दोस्त आया यहाँ पर। तो मुनू भाई बोल रहा था हमारा गाँव में फिर से जाने वाला वो सिग्नल करने के लिए, तो जाएंगे मुनू भाई? मैं जाऊंगा और बहुत ज़्यादा इंजॉय करूंगा और बहुत ही ज़्यादा स्नैल खाऊंगा और आप लोगों के लिए ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश हॉट एंड सेक्सी वीडियो भी लाने के लिए प्रयास करूंगा। और जोहार दोस्तों, झारखंड पे जाके सीखा जोहार दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जोहार दोस्तों आप लोगों को।
तो दोस्तों इस गांव में मतलब यूट्यूबर बनना काफी मुश्किल होते हैं कि मैं यहां पर मोनू का गांव पे हूं, मैं कल आया था तो वो मोनू का पता नहीं वो मेरा साथ फिर से जा सकता है हमारा गांव। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहां पर खत्म करता हूं, तो मिलते हैं फिर से नए एक वीडियो में। तो दोस्तों बढ़िया से रहना, मजा से रहना, अच्छा से खाना। बाय बाय दोस्तों, फिर से मिलेंगे एक बार।